और बढ़ेंगे आगे। रांची से अहम खबर बता दें, हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं आरपीएन सिंह। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी हैं साथ में मौजूद। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद हैं। बता दें कि चुनावी तैयारियों को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह रांची में हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। और सीधे चलेंगे सहयोगी राकेश के पास, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। राकेश, चुनावी तैयारियों की समीक्षा में कांग्रेस जुट चुकी है और हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव। क्या जानकारी मिल रही है आपको? थोड़ी देर पहले तकरीबन 10 मिनट हो रहा है पहुंचे हुए इन लोगों को, और थोड़ी देर पहले आप कह सकती हैं कि आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वो उनके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, तीनों लोग पहुंचे हैं हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर। और यहीं आवास के अंदर में हेमंत सोरेन का इंतज़ार किया जा रहा है। हालाँकि अभी मुलाकात जो है वो शुरू नहीं हुई है, यानी बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है। हेमंत जी का इंतज़ार किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जो सूचना आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर आएंगे और उसके बाद इन लोगों की बातचीत होगी। तो औपचारिक तौर पर बातचीत के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि महागठबंधन के विषय को लेकर ही ये बातचीत होनी है। पहले से ही ये तय माना जा रहा था जब आरपीएन सिंह का कार्यक्रम प्रस्तावित था कल को लेकर, और उसी दौरान ये बातचीत आई थी कि आज के दिन हेमंत सोरेन से इन लोगों की मुलाकात होगी। तो उसी को लेकर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर उनके जो प्रदेश के प्रभारी हैं या विधायक दल के नेता हैं, तमाम तीनों चेहरे जो हैं वो हेमंत सोरेन से मिलने पहुँचे हैं और थोड़ी देर के बाद महागठबंधन को लेकर औपचारिक तौर पर इनकी बातचीत शुरू होगी। राकेश, आज सुबह हमने कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश ठाकुर से भी बात की थी। उनका कहना है कि नवरात्र का महीना चल रहा है और ये काफी शुभ मुहूर्त भी है, तो ऐसे में क्या महागठबंधन का स्वरूप आज तय हो सकता है, क्योंकि वक्त काफी कम बचे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है जनता से संपर्क करने की। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक दबाव तो है। बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है और 65+ के टारगेट के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस अगर उसको देखें तो विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी को रोकने के लिए, और उसको लेकर महागठबंधन की कवायद में अब ज़रूरत आ चुकी है कि थोड़ी तेज़ी दिखाई जाए, और उसी को लेकर आज की यह बैठक बुलाई गई है। कई सारे पेचे हैं महागठबंधन को लेकर, कुछ सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच है, तो कुछ नए दलों के एंट्री को लेकर भी बातचीत है। जेवीएम का रुख क्या होगा, महागठबंधन में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर भी कई तरह की बातचीत है। वाम दलों की एंट्री को लेकर भी कई तरह की बातचीत, तो तमाम विषयों को लेकर आज बातचीत होनी है। और तीन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की खासतौर पर जो शर्तें हैं, एक तो बड़ा दल है लिहाजा हिस्सेदारी जो है महागठबंधन में उनको बड़ा चाहिए, दूसरा उनकी जो शर्त है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी हेमंत होंगे। तो यानी कुल तीन शर्तों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो महागठबंधन को साधने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में है। अब उन शर्तों के साथ कांग्रेस चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। हालाँकि कांग्रेस के तरफ से जब पहले इनके अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस जो है इन शर्तों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब चूंकि काफ़ी चीज़ें बदली हैं, थोड़ी राजनीतिक थोड़ी जो आप कह सकते हैं हाल के दिनों में थोड़ा चेंज हुआ है, और हमने देखा कि जैसे नए अध्यक्ष आए तो उनके सुर भी थोड़े बदले थे। हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए थे कि वो नेता होंगे कि नहीं होंगे ये बाद में तय किया जाएगा। तो उन तमाम विषयों को लेकर आज बातचीत होनी है, सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होनी है। कुछ सीटों पर पेच भी फंस रहा है, कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस भी मजबूत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मजबूत है और वहां से दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इन तमाम तरह की जो अटकलें हैं उसको लेकर आज की बैठक में उम्मीद की जा रही है। राकेश, आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक में क्या महागठबंधन का स्वरूप बनता है, लेकिन अगर जितनी देरी होगी उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर उठाना पड़ सकता है, मिलेगा। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता और विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा सकता है कि जो प्रभारी पहुंचे हुए हैं आरपीएन सिंह, इसे लेकर भी बातचीत करेंगे और अपने संगठन को मजबूत करके महागठबंधन बनाया जाएगा।
नहीं देखिए, संगठन का इशू तो है, उसको लेकर आरपीएन सिंह आज कई बैठकें उनकी आहूत है, तमाम लोगों से वह बैठक करेंगे, चुनाव को लेकर कई तरह के टिप्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो उनके नेता हैं जो आने वाले दिनों में जिनको लेकर ये चर्चा है कि वो हो सकता है बीजेपी का दामन थाम ले, तो ऐसे नेताओं से भी 1-to-1 मुलाकात की बात कही जा रही है। लेकिन अभी का जो ये जो वक्त है, ये फिलहाल महागठबंधन को लेकर ये तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं, और महागठबंधन किस तरीके से कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़े, इस दिशा में कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी प्रयास जो है वो लगातार किए गए हैं। लेकिन हाल के दिनों में चूंकि हेमंत सोरेन यात्रा पर थे, उनका बदलाव यात्रा चल रहा था पूरे प्रदेश में, तो इस वजह से महागठबंधन को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एक तरीके से रुक गई थी। अब उसी को गति देने की कोशिश की जा रही है, और उसी के तहत आज आरपीएन सिंह जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो पहुँचे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पहुँचे हैं, विधायक दल के नेता हैं वो पहुँचे हैं, और जो सूचना आ रही है कि इन लोगों की जो मुलाकात है वो अब से थोड़ी देर के बाद, आप कह सकते हैं चंद मिनटों के बाद जो है वो मुलाकात औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। चलिए आप नजर बनाए रखिए, राकेश अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कुछ देर के बाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात होगी। हालांकि हेमंत से मिलने के लिए चुनाव प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और साथ ही साथ आलमगीर आलम भी मौजूद हैं।